सबसे पहले एक बेहद जरूरी बात, स्टे होम स्टे सेफ, बात इसी पर। जालौर से बड़ी खबर है, कोरोना के खौफ के बीच शराब बेची जा रही है। सरकार के एडवाइजरी को ठेंगा दिखाकर ये शराब बेच रहे हैं। शराब दुकान के आगे का शटर बंद है लेकिन खिड़की खुली हुई है। अधिक दाम वसूल कर ये शराब बेची जा रही है। भीनमाल के भागल रोड पर स्थित शराब दुकान का ये मामला है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दिखाने के लिए शटर डाउन है यानी शटर बंद, दुकान बंद है लेकिन बगल में खिड़की खुली हुई है और शराब बेची जा रही है खिड़की से। और बड़ी बात यह कि दाम बढ़ाकर, एक तो दुकान बंद होनी चाहिए, जिस तरह से लॉकडाउन के अंतर्गत सभी दुकानें बंद, सिर्फ जरूरी दुकानों को खोला गया है, लेकिन दिखावे के लिए तो जरूर यहां पर शटर डाउन कर दिया गया है। दुकान बंद दिखाई जा रही है लेकिन खिड़की से शराब बेची जा रही है, वो भी दाम बढ़ाकर, अधिक दाम वसूल लिए जा रहे हैं यहां पर। ये भीनमाल के भागल रोड पर स्थित है शराब की दुकान, और इस दुकान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोरोना के खौफ के बीच किस तरह से शराब बेची जा रही है। बदस्तूर शराब बेचने का सिलसिला यहां पर जारी है, ना किसी का डर ना किसी का खौफ, और मंशा सिर्फ एक कि ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल लिए जाए इस शराब के बदले। एडवाइजरी यहां पर जारी है सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद किस तरह से इस एडवाइजरी को दरकिनार कर ठेंगा दिखाकर यहां बदस्तूर शराब बेची जा रही है। संवाददाता लूना राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लूना राम, ये अहम तस्वीर है जो कहीं ना कहीं ये पोल खोलती हुई नजर आती है कि सख्ती कितनी भी बरती जाए लेकिन इसके बावजूद इन्हें किसी का डर नहीं किसी का खौफ नहीं, बेधड़क शराब बेच रहे हैं। जिले में यही हालात है, भले एडवाइजरी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जारी कर दी गई हो, किस तरीके से देश में कोरोना को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, मरीज की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसी ऐसे दौर में एडवाइजरी को लेकर सख्ती से पुलिस और प्रशासन को काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये शराब है कि सीधे तौर पर एडवाइजरी को ठेंगा दिखाकर, सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाकर बेचा जा रहा है। ये भीनमाल का मामला है, भीनमाल में बकायदा वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से भागल रोड पर स्थित शराब की दुकान पर शटर बंद है, आबकारी विभाग की ओर से बकायदा शटर बंद कर दिया गया लेकिन खिड़की से खुलेआम बेची जा रही है। इसकी सूचना आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से खिड़की से शराब बेची जा रही है इसकी शिकायतें भी पहुंची है। अब देखना होगा कि फर्स्ट इंडिया पर पूरे मामले का खुलासा होने के बाद किस तरीके से कार्रवाई हो पाती है या ऐसे ही खिड़की से शराब बेची जाएगी। जी लूना राम, क्या लॉकडाउन के बाद से ही ये जारी है या अभी एक दो दिन में ही हिम्मत इनकी बढ़ गई कि ये खिड़की से सप्लाई करने लगे, क्या इसे लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? लॉकडाउन के बाद से ही कई शराब ठेकों की शिकायतें लगातार आबकारी विभाग को मिल रही है और हमें भी मिल रही है। जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद से शटर जरूर आबकारी विभाग ने बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए हैं, लेकिन इनकी खिड़कियों से बकायदा खुलेआम शराब बेची जा रही है। ये लॉकडाउन के बाद से ही पूरा सिलसिला चल रहा है और अभी भी वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से खिड़की से बिल्कुल फर्स्ट इंडिया तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से आबकारी विभाग इस पर कार्रवाई करता है, क्या सख्ती इन पर बरती जाती है या इनका ये खेल बदस्तूर जारी रहेगा। इंतजार करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका।